हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न बी आई एम शिवानी चौहान क्लास सिक्स इंग्लिश के बुक पूर्वी की यूनिट वन फेबल्स एंड फोक टेल्स की पोएम द रेवन एंड द फॉक्स का हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कर चुके हैं पूरी यूनिट कंप्लीट है सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारा चैनल है टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पर भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं पहला स्टार्ट करते हैं देखिए मिस्टर रेवन वॉज पर्स अपन अ लिम्ब तो मिस्टर रेवन व स्पर्स्ट मतलब सेट ऑन अ ब्रांच अपन अ लम्प तो एक पेड़ की टहनी पर एक रेवन बेसिकली चमकीला कौवा आप कहेंगे वो बैठा हुआ था एंड रेनर्ड द फॉक्स यहाँ पे फॉक्स का नाम है रेनर्ड लुक्ड अपन एट है और जो रेनर्ड नाम का फॉक्स है वो उस कौए को देख रहा था फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक फोदर रेवन यानी कि वो जो रेवन था उसने अपनी बड़ी सी चोच में अ मोरसल द फॉक्स वुड गो फार टू सीख अब रेवन के चोच में एक मोर्सल था यानि कि खाने का एक छोटा टुकड़ा था और जो मॉरसल द फॉक्स वुड गो फार टू सीख वो जो खाने का टुकड़ा था ना फॉक्स उसको पाने के लिए कहीं भी जा सकता था मतलब उस खाने के टुकड़े को पाने के लिए फॉक्स कुछ भी कर सकता था तो फॉक्स करता क्या है देखते हैं सेट द फॉक्स तो फॉक्स जो है वो कहता है सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन एडमायर करना का मतलब होता है तारीफ करना तो तारीफ करने की टोन में फॉक्स बोलता है माई वर्ड सर रेवन यू आर अ हैंसम बर्ड तो जो ये फॉक्स है ये रेवन को बोलता है कि सर रेवन आप एक बहुत ही हैंसम बहुत ही खूबसूरत चिड़िया हैं सच फैदर्स फैदर्स होते हैं पंख क्या पंख हैं आपके गज़ब के इफ़ यू वुड ओनली सिंग अगर आप बस गाना गा देना द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग आप बस गाना गा दो और इस जंगल की वुड्स वुड्स यहाँ पर जो है जंगल इस जंगल की चिड़िया आपको किंग कहेंगी आप बस गाना गा दो द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक अब रेवन जिसको जोक समझ में नहीं आया और वो बेवकूफ बन गई फॉरकॉट फॉरगोट का मतलब होता है भूल जाना अब रेवन को जोक समझ नहीं आया क्योंकि रेवन तो क्रॉक क्रॉक करता है बस कोई अच्छे वास्तव होती नहीं है तो रेवन भूल गई दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक उसकी आवाज तो सिर्फ एक क्रॉक है कोई मीठी आवाज नहीं है उसकी ही ओपन हिज बीक उसने लोमड़ी की बातों में आकर के अपनी चोंच खोल दी इन हिज फूलिश प्राइड फूलिश का मतलब होता है बेवकूफ बेवकूफी प्राइड का मतलब होता है अभिमान तो अपने बेवकूफ़ी भरे अभिमान में बर्ड ने अपनी चोंच खोल दी एंड फेल डाउन द मोर्सल मोर्सल खाने का टुकड़ा जो है वो गिर गया द फॉक्स हेड आइड फॉक्स हेड आइड मतलब जिस पर जो है फॉक्स की नज़रें दी ना वो खाने का टुकड़ा नीचे गिर गया हा हा लाव द फॉक्स अब इस बात पर फॉक्स खूब हंसा एंड नाउ यू नो अब तो तुम जानते ही हो इग्नोर स्वीट वर्ड्स इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना नज़रअंदाज जो मीठे मीठे शब्द होते हैं ना उसको नज़रअंदाज करना चाहिए दैट मेक्स यू ग्लो जो तुम्हें बिल्कुल ऐसे फुला दें प्राइड माई फ्रेंड अभिमान मेरा दोस्त इज रादर अनवाइज अभिमान जो है वो अनवाइज है वाइ का मतलब होता है समझदारी भरा और घमंड करना प्राइड करना बेवकूफ़ी भरा होता है आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज और मैं बिल्कुल पक्का हूँ कि ये जो मैंने तुम्हें टीचिंग दी है ना ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है यानी कि तुम्हारे लिए एक नई चीज़ है ये टीचिंग जो मैंने तुमको दी है जीन डेला फाउनटेन ये इसके पोट हैं तो ये हम लोगों ने कम्प्लीट जो है पोइए का एक्सप्लेनेशन समझ लिया विद वर्ड मीनिंग्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच